तो गाइज ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो करंट अफेयर्स वॉचटॉक में आज हम फिर से कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो करंट अफेयर्स में चल रहे हैं, यानी न्यूज में लगातार चल रहे हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज देखते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लुनार लेक। लुनार लेक के रिगार्डिंग आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं और दोनों में से आपको देखना है कि कौन सा करेक्ट है। तो ये करेक्ट कीवर्ड भी आपने देखना है। स्टेटमेंट फर्स्ट वाली कह रही है, लोनार लेक इज नोटिफाइड नेशनल जियो हेरिटेज मोनूमेंट लोकेटेड इन महाराष्ट्र। इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू रैपिंग एंड फ्रैक्चरिंग ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट। तो गाइज ये दोनों स्टेटमेंट्स देख के आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो देखते हैं अब इसका आंसर। इसका आंसर है ए वाला, यानी ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है कि ये अर्थ के फ्रैक्चरिंग, अर्थ के क्रस्ट से फ्रैक्चर होके ये बनी हुई है, ये गलत है। क्या इसकी एक्सप्लेनेशन है? लुनार लेक इज अ नोटिफाइड नेशनल जियो हेरिटेज मोनूमेंट लोकेटेड इन महाराष्ट्र। अब देखेंगे कि ये जो नेशनल जियो हेरिटेज मोनूमेंट है ये क्या होता है। देखिए, लुनार लेक वॉज क्रिएटेड बाय एन एस्ट्रियाइड कोलाइजन विद अर्थ इंपैक्ट ड्यूरिंग द प्लेस्टोसीन एपोच। तो क्या होता है कि एक जैसे अभी जो एज चल रही है तो इससे काफी साल मिलियन ईयर्स पहले एक प्लेस्टोसीन एपोच, अगर आप जियोग्राफी को ध्यान से पढ़ेंगे तो ये जियोग्राफी का कंसेप्ट है। तो जियोग्राफी स्टार्टिंग से ही ये पढ़ाया जाता है कि प्लेस्टोसीन एपोच जैसे कैमरियन एज, तो ये अलग अलग एजेस हो चुकी हैं। तो प्लेस्टोसीन जो एज थी उसमें एक एस्ट्रॉयड धरती के ऊपर आके गिरता है और धरती में एक प्रकार का गड्ढा बन जाता है और वही जो गड्ढा है आज लुनार लेक के रूप में है। इट इज वन ऑफ द फोर नोन इम्पैक्ट क्रेटर्स इन बेसाल्टिक रॉक एनीवेयर ऑन अर्थ। तो गाइस इस प्रकार की जो कहा जाता है कि ये जो बेसाल्ट रॉक अर्थ पे है तो इसके ऊपर आकर एस्ट्रॉयड गिरा, तो ये अर्थ पर टोटल चार एग्जांपल्स आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन उनमें से एक जो है लुनार लेक आपको इंडिया में महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। द अदर थ्री बेसाल्टिक इम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स आर इन सदर्न ब्राजील लुनार क्रेटर सिट्स इनसाइड द डेक्कन प्लेटो। तो गाइस ये जो पूरा डाउन साउथ जो है, अगर आप राजस्थान से लेके आप नीचे से घूमकर पूरा उड़ीसा तक जाएं तो ये पूरा, इसको क्या कहा जाता है, इसको डेक्कन प्लेटो कहा जाता है और डेक्कन प्लेटो के बीच में ये लुनार क्रेटर है, यानी ये जो लुनार लेक है ये डेक्कन प्लेटो पर ही है। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा, स्ट्रैंडेड इन इंडिया इज अ पोर्टल launched by which union ministry to help foreign tourists who are stranded in the country amid the prevailing lockdown. तो lockdown जो coronavirus के चलते चल रहा है, तो कौन सी ministry ने एक portal, एक web portal launch किया है जिससे जो stranded का मतलब होता है फंसे हुए हैं जो लोग इंडिया में विदेशों के, तो उनकी help की जाए, उनका जो data है उस portal पर लिया जाए और उनकी जो families अलग अलग देशों में है उन तक information पहुंचाई जाए। तो ये स्टैंडर्ड इंडिया पोर्टल जो है ये कौन सी मिनिस्ट्री ने अब किया है इसको, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन इंडिया हैज लॉन्च्ड अ पोर्टल कॉल्ड स्टैंडर्ड इन इंडिया टू हेल्प थाउजेंड्स ऑफ फॉरनर्स इंक्लूडिंग टूरिस्ट फ्रॉम द गल्फ, कि ये जो गल्फ यानी खाड़ी के देशों के जितने भी लोग हैं इंडिया में पहुंचे हुए उनकी हेल्प करने के लिए, हु अराइव्ड इन इंडिया बिफोर द कोरोना वायरस पेंडेमिक एंड आर नो स्टक इन द कंट्री फॉलोइंग कैंसलेशन ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ्लाइट्स, ट्रेन्स एंड इंटरस्टेट बसेस। तो गाइस अचानक जो है जब कोरोना वायरस फैलता है तो उसके रिगार्डिंग अचानक ही भारत सरकार इंटरनेशनल और नेशनल हर प्रकार की जो फ्लाइट्स है उनको कैंसिल कर देती है, और कैंसिल करने का ये नतीजा होता है कि जो इंटरनेशनल टूरिस्ट आए थे वो भारत में ही फंस जाते हैं। उनकी हेल्प करने के लिए स्टैंडर्ड इन इंडिया एक पोर्टल चलाया गया है। इसको किसने चलाया है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, ब्लैक लिस्ट एंड ग्रे लिस्ट कंट्रीज समटाइम्स मेंशनड इन द न्यूज हैज बीन इशूड बाय, कि ये जो ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट कंट्रीज हैं ये मैक्सिमम दोनों टर्म में न्यूज में रहती हैं, तो ये कौन इशू करता है? ब्लैक लिस्ट में किसी कंट्री को डालना है या निकालना है तो ये कौन इशू करता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम इंटरपोल भी कहते हैं, या बोथ ए एंड सी? तो गाइस देखते हैं इसका आंसर।
इसका आंसर है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो गाइज जैसे ही पुलवामा अटैक होता है तो भारत के जो है 40 से ज्यादा सीआरपीएफ जवान जो है वो उनकी मृत्यु हो जाती है, वो शहीद हो जाते हैं। तो उसके बाद जो है पाकिस्तान को जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैक लिस्ट में डाले जाने की बातें होने लगी थी, तो इसी कारण ये ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट पाकिस्तान के कारण ही अगर मैं कहूं तो ये काफी ज्यादा न्यूज में रहती है। तो कौन सी कंट्री को ब्लैक लिस्ट में डालना है, कौन सी को ग्रे लिस्ट में डालना है, कौन सी को नॉर्मल लिस्टों में रहने देना है, तो ये सब कौन डिसाइड करता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। एक्सप्लेनेशन इसकी क्या है? अब देखिए ब्लैक लिस्ट क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं। कंट्रीज नोन एज नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज आर टेरिटरीज आर पुट इन द ब्लैक लिस्ट। दीज कंट्रीज सपोर्ट टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज। तो गाइज ये इस लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में वो वाली कंट्रीज आती हैं जो टेररिज्म को फाइनेंस करती हैं और जिसमें हवाला या इत्यादि ऐसे पोर्टल्स को यूज कर, ऐसे मेथड्स को यूज कर मनी लॉन्ड्रिंग यानी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी का रूप दिया जाता है। The Financial Action Task Force revises the blacklist regularly, adding or deleting entries. तो guys, regularly जो है ये Financial Action Task Force जो है ये देखती रहती है कि कौन सी कंट्री टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रही है, उसके बाद उसको ब्लैकलिस्ट में डाला जाता है। अगर वो उस अपने कदमों को पीछे खींचती है यानी एक नॉर्मल फंक्शन करती है कंट्रीज बाकी वाली कंट्रीज की तरह, तो उसे ब्लैक लिस्ट से उठाकर फिर जो है वो अलग लिस्ट यानी नॉर्मल आप कह सकते हैं कि उसे रख सकते हैं। तो गाइज अब आपके मन में ये होगा कि ब्लैक लिस्ट में डालने से कंट्रीज को क्या हो जाता है। तो गाइज हर जो कंट्रीज हैं वो अलग अलग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से लोन्स लेती हैं, ट्रेड करती हैं, तो अगर ब्लैक लिस्ट में कोई कंट्री आ जाएगी तो उसे जैसे आईएमएफ से लोन नहीं मिलेगा, वर्ल्ड बैंक से लोन नहीं मिलेगा, किसी दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करना है उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं। तो इन सारी रिस्ट्रिक्शंस के बचते हुए, इन सारी रिस्ट्रिक्शन से बचने के लिए जो है कंट्रीज इस प्रकार की टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज को नहीं करती हैं। अब देखिए ग्रे लिस्ट क्या होता है। ब्लैक लिस्ट में जो कंट्री आ गई वो ना ही वर्ल्ड बैंक से लोन लेगी, ना ही आईएमएफ से लोन ले सकती है, ना ही अच्छे ढंग से फ्रीली बाकी वाली कंट्रीज के साथ ट्रेड कर सकती है। लेकिन ग्रे लिस्ट इससे थोड़ा नॉर्मल होती है। कंट्रीज दैट आर कंसिडर्ड सेफ हेवन फॉर सपोर्टिंग टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग आर पुट इन द फॉट ग्रे लिस्ट। This inclusion serves as a warning to the country that it may enter the blacklist. तो guys देखिए blacklist में वो countries आती हैं, वो countries डाली जाती हैं जो पहले कुछ हद तक grey list में रहती हैं। जैसे अगर कोई country जैसे पाकिस्तान इस समय अगर आप कहें तो वह terror को finance करता है, तो पाकिस्तान को आप blacklist में डाल सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर पाकिस्तान डायरेक्टली टेररिज्म को फाइनेंस करता है तो ये ब्लैक लिस्ट में आ सकता है, लेकिन कोई कंट्री अगर पाकिस्तान के थ्रू टेररिज्म को फाइनेंस कर सकती है तो वो कंट्री जो है वो ग्रे लिस्ट में आ सकती है। तो यही इस स्टेटमेंट में कहा गया है, कंसीडर्ड सेफ हेवन फॉर सपोर्टिंग टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग आर पुट इन द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1989। आपके पास फाफ के बारे में तीन स्टेटमेंट्स हैं और तीनों को देख के आपने इनमें से करेक्ट बताना है। पहली स्टेटमेंट कह रही है इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1989। इट इज अ पॉलिसी मेकिंग बॉडी। द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स सेक्रेटरीट इज हाउस्ड एट द ओईसीडी हेडक्वार्टर्स इन पेरिस। तो गाइज आपके पास ये तीनों स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना करेक्ट कौन सी हैं। ऑप्शन ए कह रहा 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, ऑल ऑफ द अबव। तो गाइज देखते हैं आंसर। देखिए इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्यों है? द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1989 ऑन द इनिशिएटिव ऑफ द G7 कंट्रीज। तो गाइज G7 कंट्रीज के इनिशिएटिव पर ये 1989 में फाटफ का जो है गठन किया जाता है। इट इज अ पॉलिसी मेकिंग बॉडी विच वर्क्स टू जनरेट द नेसेसरी पॉलिटिकल विल टू ब्रिंग अबाउट नेशनल लेजिस्लेटिव एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स इन वेरियस एरियाज। तो गाइज ये एक आप कह सकते हैं इसे कि पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। ये देखती है कि कौन सी कंट्री में टेररिज्म फैल रहा है और उसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, तो इसकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं या इसकी जो वॉच होती है, वॉचिंग को देखकर ही जो कंट्री होती है वो अपना नेशनल लेजिस्लेटिव और जो रेगुलेटरी रिफॉर्म्स वेरियस एरियाज में लाती है। द फाटफ सेक्रेटरेट इज हाउस्ड एट द ओईसीडी
हेडक्वार्टर्स इन पेरिस। तो गाइज आपसे डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। तो गाइज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है द स्टेटहुड डे ऑफ विच इंडियन स्टेट इज सेलिब्रेटेड एज उत्कल दिवस ऑन अप्रैल फर्स्ट, कि कौन से राज्य को जब राज्य का दर्जा जिस डेट को दिया गया था यानी अप्रैल फर्स्ट को, और वह उत्कल दिवस के नाम से उत्कल दिवस के त्योहार से इसे जो है सेलिब्रेट करता है। उत्कल दिवस कहाँ सेलिब्रेट होता है, उड़ीसा में, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है उत्कल दिवस को हम सेलिब्रेट कहाँ होते हुए देखते हैं, ये उड़ीसा में। उड़ीसा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन उड़ीसा डे, या फिर आप इसे उत्कल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन फर्स्ट ऑफ अप्रैल इन उड़ीसा इन द मेमोरी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट एज अ सेपरेट स्टेट आउट ऑफ बिहार। तो गाइस ये जो है ये आपको सिर्फ बताने के लिए एक डीप इंफॉर्मेशन, आपको ज्यादा देर तक उत्कल दिवस के बारे में याद रखने के लिए एक्सप्लेनेशन है, लेकिन ये आपसे पूछे जाने की संभावना नहीं है कि इसको कौन कौन से पार्ट से अलग करके जो है उड़ीसा स्टेट को बनाया गया था। तो ये बात कह रहा है कि उड़ीसा को कैसे बनाया गया था, इसका एरिया कुछ बिहार से, बंगाल से और उड़ीसा प्रोविंस से लिया गया था विद एडिशन ऑफ कोरापुट एंड गंजम फ्रॉम मद्रास प्रेसिडेंसी ऑन फर्स्ट ऑफ अप्रैल 1936। तो गाइज आज की डेट में तो काफी सारी जो उड़ीसा 1936 था उसमें से काफी सारी जो है स्टेट्स आज निकल चुकी हैं, तो आपको डायरेक्ट यही पूछा जा सकता है एग्जाम में कि उत्कल दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये हर साल अप्रैल फर्स्ट को किया जाता है, इसको कौन सी स्टेट सेलिब्रेट करती है, इसको उड़ीसा स्टेट सेलिब्रेट करती है। तो गाइज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मिशन ऑपरेशंस इज आर इंडियाज असिस्टेंस टू मालदीव्स, कि इंडिया ने कौन कौन से ऑपरेशन चला के इन तीनों में से मालदीव्स जो कंट्री है इंडियन ओशन में ही उसकी हेल्प की थी, उसे असिस्टेंस प्रोवाइड की थी। ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन नीर, ऑपरेशन संजीवनी। तो गाइज आपके पास तीनों जो स्टेटमेंट्स देख के आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो ऑप्शन ए कह रहा 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 एंड 3, ऑल ऑफ द अबव। तो गाइज देखते हैं आंसर। देखिए इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्यों? एन इंडियन, सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑपरेशन संजीवनी, ये अभी कोरोना वायरस के चलते कोविड 19 जो डिजीज फैला हुआ है दुनिया भर में, तो इसके प्रति, इससे बचने के लिए मालदीव्स को असिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही है भारत के द्वारा। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, एन इंडियन एयर फोर्स C-130J ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट रिसेंटली डिलीवर्ड 6.2 टन ऑफ एसेंशियल मेडिसिन एंड हॉस्पिटल कंज्यूमेबल्स टू मालदीव्स अंडर ऑपरेशन संजीवनी एज असिस्टेंस इन द फाइट अगेंस्ट कोविड 19 डिजीज। तो गाइस कोविड 19 डिजीज के प्रति इसे लड़ने के लिए जो है मेडिकल फैसिलिटीज या मेडिकल उपकरण ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत ने मालदीव्स को प्रदान किए। तो आपसे यह डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन संजीवनी भारत ने किसको हेल्प करने के लिए चलाया, तो ये मालदीव्स को हेल्प करने के लिए चलाया। अब ऑपरेशन कैक्टस क्या है, अंडर ऑपरेशन कैक्टस विच वॉज फॉट इन द ईयर 1988 द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज हैव हेल्प्ड द गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स इन द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द कू अटेम्प्ट। तो गाइस जो 1988 में एक सरकार चल रही थी मालदीव्स में, तो उसके प्रति कूप होता है यानी उसको मिलिट्री फोर्स के द्वारा हटाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन ऑपरेशन कैक्टस के अंडर इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस उसमें हेल्प करती हैं और मालदीव्स की सरकार को बचाती हैं। तो ऑपरेशन कैक्टस 1988 में भारत ने मालदीव की हेल्प करने के लिए चलाया था। अंडर ऑपरेशन नीर, देखिए 2014 में मालदीव्स में ड्रिंकिंग वाटर की बहुत बड़ी शॉर्टेज आ जाती है और उसमें भारत उसे ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करता है अंडर ऑपरेशन नीर। तो गाइज ये तीनों जो ऑपरेशन स्टेटमेंट्स में बताए गए हैं, तो इन तीनों ऑपरेशन के तहत अलग अलग प्रकार की मदद जो है भारत मालदीव्स को करता है। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि लगातार आपको इसी प्रकार की वीडियोज मिलती रहें, तो आप मेरे चैनल यूट्यूब चैनल ऑलमाइटी गाइडेंस को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।